हेलो दोस्तों, स्वागत आपको वीटू इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम मुकेश है। आज आप लोगों को बताएंगे, मेरे पास एक सैमसंग का टीवी आया है, तो चलिए इसका हम बैक कवर खोल लेते हैं और इस बोर्ड में चलिए आपको हम लाइन देकर दिखाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। देखिए इंडिकेटर है, देखिए लाइन दिए लेकिन इंडिकेटर जो है ये नहीं आ रहा यहाँ पे। और इससे पहले आपको हम मल्टीमीटर का अडॉप्टर का वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं। सर दिखाइए सर मल्टीमीटर से। तो चलिए और मल्टीमीटर को पहले हम वोल्टेज चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए 19 वोल्ट आ रहा है। अब चलिए आप बोर्ड को हम चेक करते हैं, बोर्ड में क्यों नहीं वोल्टेज आ रहा है। मल्टीमीटर पे दिखाइएगा सर थोड़ा। तो चलिए एक वायर को ग्राउंड कर दीजिए और यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए 19 वोल्ट यहाँ आ रहा है और इस कॉइल से पिछले वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ देख लेते हैं, इसमें देखिए यहाँ भी 12 वोल्ट आ रहे हैं, इस पर भी जो है वोल्टेज आ रहा है, इस कॉइल पे भी, इस कॉइल पे भी वोल्टेज आ रहा है। देखिए इस कॉइल पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, यहाँ भी 1 वोल्ट आ रहा है, इस साइड वोल्टेज नहीं। देखिए वोल्टेज तो सौ है लेकिन इस कॉइल पे जो है वोल्टेज नहीं आ रहा है। 1 वोल्ट आना चाहिए यहाँ पे, 1 वोल्ट जो है नहीं आ रहा है, क्योंकि इस कॉइल पे देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। और यूएसबी पे चेक कर लेते हैं, नहीं आ रहा है, यूएसबी भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसमें देखिए नो इंडिकेटर है, लाइट जो है लाइट नहीं जल रहा है इसमें, ठीक है। और इससे पहले आपको दिखा दें यहाँ पे फ्यूज भी है, दिखाइए सर थोड़ा जूम करके। यहाँ पे देखिए ये दो जो दिख रहे हैं ना, ये दोनों फ्यूज है। देखिए इस साइड आ रहा है 19 वोल्ट, रुक जाइए वीडियो, देखिए 19 वोल्ट इस साइड आ रहा है और इसके बाद इस साइड देखिए, इस साइड भी 19 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये फ्यूज लगा हुआ है, इस साइड भी 19 वोल्ट है, इस साइड भी 19 वोल्ट है, फ्यूज लगा हुआ है, तो फ्यूज भी इसका सही है। तो इस कॉइल पे जो है वोल्टेज 19 वोल्ट नहीं आ रहा है, सॉरी 1 वोल्ट नहीं आ रहा है। तो बन रही वीडियो, इस बोर्ड को हम रिपेयरिंग करके आपको दिखाते हैं। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है इसके जगह पर हम ये बक कन्वर्टर लगाएंगे, ये जो है ये कन्वर्टर हम लगा के आपको बोर्ड को ऑन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो बन रही वीडियो में, पहले इसमें हम एक डबल सेट टेप लगा लेते हैं। चलिए डबल सेट टेप इसमें हम लगा दी। इसमें देना है 19 वोल्ट यहाँ से, ठीक है, 19 वोल्ट देना है इसमें। तो चलिए इसमें हम यहाँ पे 19 वोल्ट दे देते, ये दे दिए। और एक जो है ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो आप कहीं भी कर सकते हैं बोर्ड में, इसलिए हम ग्राउंड यहाँ कर देते इसमें। ग्राउंड हो गया। अब फिर से आपको हम दोबारा लाइन देकर दिखाएंगे इसमें, ठीक है। इस तार को ऊपर कर लेते हैं। चलिए लाइट दे दिए, मल्टीमीटर दिखाइए सर मल्टीमीटर पे। देखिए 1 वोल्ट आ रहा है इस पर, ठीक, वोल्टेज आ रहा है लगभग इस पर है ना। और इसको शॉर्ट करना है 1.5 वोल्ट को, ठीक है। तो बन रही वीडियो में 1.5 वोल्ट को हम शॉर्ट कर देते हैं। वोल्ट 1.5 वोल्ट को हम शॉर्ट कर दिए। देखिए ठीक है आ रहा है। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करके दिखाते हैं, हम कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको कॉइल पे। देखिए यहाँ पर हम कनेक्ट कर दिए और कनेक्ट करने के बाद हम चेक करेंगे इसमें। और इसको जो क्या करते पहले लाइन देने से पहले इसको आप कहीं बोर्ड में बैठा दीजिए यहाँ पे। चलिए इसको हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, लगा दिए इसको। चलिए अब लाइन देके दोबारा देखते हैं। चलिए देखते हैं जो डिस्प्ले है वो आया है नहीं आया।
देखिए डिस्प्ले जो आ गया इसमें, देखिए नो सिग्नल आ गया, ठीक है। जो वोल्टेज नहीं आ रहा था यहाँ पे 1.5 वोल्ट दिए, देखिए यहाँ पे 1.5 वोल्ट अभी इस कॉइल पे आ रहा होगा, देखिए आ रहा है, क्योंकि पहले जी इस पे वोल्टेज नहीं आ रहा। और यहाँ भी आपको दिखा देते, देखिए 1.5 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ भी वोल्टेज नहीं आ रहा, तो ये भी वोल्टेज अब 19 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करें। अगर आपको रिपेयरिंग की जानकारी चाहिए तो v2institute.com, अगर सर्विस चाहिए तो v2service.com, अगर आपको कोई भी LED LCD पार्ट उसके लिए v2tools.shop पे जाके आप सामान परचेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।